Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. Now tell me, how many of you like to celebrate your birthday? Okay, all of you. I also like to celebrate my birthday. Do you know whose birthday is celebrated on Janmashtami? Kana ji. Yes, you all are right. Kana ji's birthday is celebrated on Janmashtami. And this year, on 11th of August, we are going to celebrate Kanaji's birthday. One more thing I want to tell you about Kanaji. There are two favorite things of Kanaji. One is makhan and the other is his flute. Jisko aap Hindi mein bansuri kehte hain. Aur aaj, aap apne art and craft period mein Kanaji ki pyari si बांसुरी बनाना सीखेंगे। We are going to make a very beautiful flute today in your art and craft activity. Let me share it with you. Now let's do something new. So now let's have a look on the material required. First of all, for making this flute, we need one A4 size paper sheet, Fevicol, one peacock feather, scissors, and two glitter sheet of any color. Here I am taking red and silver. You can take any color of your choice. And we also need old earrings, pair of old earrings or any hangings. Now, first of all, take the paper sheet and start it folding. Isko one corner ko lekar start karenge folding, just like as you can see in this video. Ek corner se fold karna start karna hai aur usko next corner tak lekar jana hai. Ab next corner par fevicol paste karke ise join kar dena hai. Same as you can see in this video. अब आप इसके पॉइंटेड कॉर्नर्स को दोनों साइड से कट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर्स एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द हेल्प ऑफ योर मदर फॉर सीजर वर्क। अब हम एक रेड ग्लिटर शीट लेंगे, रेड ग्लिटर शीट लेंगे और फ्लूट के साइज का पीस इसमें से कट कर लेंगे और इस पीस को परफेक्टली फ्लूट पर पेस्ट कर देंगे। नाउ आई एम कटिंग द शीट। एज यू कैन सी, अब मैं इसके ऊपर से स्टिकर शीट रिमूव कर रही हूं। अब इस स्टिकर शीट को दोनों हाथों से परफेक्टली पकड़कर इस फ्लूट पर हमें पेस्ट करना है, जस्ट लाइक दिस एज शोन इन दिस वीडियो। बिल्कुल इस तरह से आपने इस फ्लूट पर ये ग्लिटर शीट पेस्ट कर देनी है। बाकी हाफ भी ऐसे ही कवर करके पूरी फ्लूट रेडी कर लेनी है और इसके बाद दो स्मॉल सर्कल्स कट करके इसके दोनों कॉर्नर्स पे पेस्ट करने हैं, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। वन ऑन दिस कॉर्नर एंड द अदर ऑन द नेक्स्ट कॉर्नर। दूसरे कॉर्नर पर भी सेम ऐसे ही आपने ये सर्कल पेस्ट कर देना। नाउ वी विल टेक द सिल्वर पेपर। अब हम सिल्वर पेपर को यूज करेंगे। वी विल कट द शीट इन फोर स्ट्रिप्स। अब हमें फोर स्ट्रिप्स को कट करना है विद द हेल्प ऑफ सीजर्स एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द हेल्प ऑफ योर मदर व्हाइल कटिंग, व्हाइल डूइंग द कटिंग वर्क। देन वी विल डू like this as in the video and you will be having these four strips. आपके पास ये four strips आ गए। अब आप इसे flute पर paste करना start करेंगे like this, ठीक है? एक corner से आप इसे slanting way में, sloping way में paste करना start करेंगे। धीरे धीरे इसको ऐसे paste करते हुए चलेंगे, right? अब हमने इसे पूरी flute को cover कर लिया है अपनी silver strips से। अब हमारी स्ट्रिप्स रेडी है, राइट?
अब हम इसे और डेकोरेट करेंगे. हेयर आई एम पुटिंग डाउन द फेविकॉल ऑन द बॉटम, टॉप टू बॉटम, राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ मिरर्स आई एम पेस्टिंग इट. ये देखिए कितने अच्छे से आपको इसे पेस्ट करना है. थोड़ा सा ही आपको मिरर्स को प्रेस करना है. विद द हेल्प ऑफ मिरर्स आई एम डूइंग इट. एंड नाउ आई एम टेकिंग दीज टू पेयर ऑफ इयररिंग्स विद दिस ब्यूटिफुल थ्रेड. अब इसे थ्रेड में डालने के बाद अच्छे से इसका नोट टाई करेंगे. ये देखिए जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं. इसे टाई करने के बाद हम अपनी फ्लूट के टॉप पर इसको बांधेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल पिकॉक फिगर आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं फेविकॉल से और उसको टाई डाउन भी कर सकते हैं. एंड नाउ यू कैन सी आवर फ्लूट इज रेडी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.